नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत ही बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों की स्थिति में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जब ग्रहों की शुभ स्थिति बनती है तो दोस्तों हमारे जीवन काल में हमें खुशी मिलती है, जो चीज़ों की इच्छा होती है वे सभी चीज़ें मिलती है। लेकिन दोस्तों, जब ग्रहों की विकट परिस्थिति हो जाए, जब ग्रहों में अशुभ परिस्थिति का निर्माण हो जाए, तो दोस्तों देखते ही देखते हमारे जीवन काल में संकट समस्याएं आने लगती है। हमारे जीवन काल में हमारे बने काम भी बिगड़ने लगते हैं। हमें कोई रास्ते नहीं सूझते हैं कि आखिर हम कौन से कार्य करें ताकि हमें सफलताओं की प्राप्ति हो, ताकि हमारे जीवन काल में फिर से वह खुशियाँ लौट कर आए जिनके लिए आप मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन सभी का खेल शिप्र ग्रहों का ही होता है। इन सभी में ग्रहों का ही सबसे मुख्य भूमिका होती है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर आप सभी के ग्रहों में बहुत ही अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ का शिव आशीर्वाद आने वाले 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में रहने वाले हैं। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में जो भी मौके, जो भी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, इनमें आपको कोई भी घमंड नहीं करना है, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करना है, किसी को भी दिखावे की तरह नहीं व्यक्त करना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ का शिव कृपा हर किसी के जीवन काल में नहीं होती है। दोस्तों, जो भी लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी तरह से चलते हैं, अच्छे मेहनत करते हैं, सभी का आदर सम्मान करते हैं, दोस्तों उन्हीं के जीवन काल में भगवान भोलेनाथ भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल की अच्छाइयों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। आपके कर्मों ने भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और दोस्तों, आने वाले 48 घंटों के अंदर आप सभी के सारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इतने बड़े महत्वपूर्ण समय का आप बिल्कुल ही दुरुपयोग ना करें, और जो भी बात, जो भी सावधानी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों बिल्कुल ही उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताई गई हर एक महत्वपूर्ण वाणी आप सभी के जीवन काल में चमत्कार से कम नहीं होगा। आप सभी के जीवन काल को 0 से लेकर 100 तक पहुंचा देगा। परंतु इनमें आपका दब बस यही दायित्व होता है कि वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, उन सभी को गौर से सुनना है और सभी कार्यों को करना है। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे प्रिय भक्त हैं। दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखेगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी, संकट समस्याएं क्षण में खत्म हो जाएंगी। शादी दोस्तों, भोलेनाथ से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि भोलेनाथ का इसी प्रकार की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होते रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करता था और कहता था कि जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था, सभी उनकी भक्ति तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं ही ईश्वर दर्शन करूं, वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांध कर कुएं में लटक गया और श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे श्री कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांध कर उन्हें मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे, आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों से कि शायद बात करते हैं कि आने वाले 48 घंटों के अंदर
आप सभी के जीवनकाल में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, साथ ही कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यशमय आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यशमय अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे जो ग्रह स्थिति होंगे यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होंगी। दोस्तों यश में बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं। दोस्तों परंतु आलस व फिर ज़्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त यश में लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में इमोशनल होने के बजाय चतुराई व फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन यश में प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य यश में मध्यस्थता से हल हो सकती है। दोस्तों यश में आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए होंगे आपको बता दें कि रुपये पेशे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें, आपकी कोई योजना यश में गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए यश में आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और यश में आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। तो अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है यश में अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें,
किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, आपके लिए उसमें होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी यह इसमें सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों सरल भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है। समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने की आपको इसमें कोशिश करते रहना चाहिए, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में जनसंपर्कों का दायरा अधिक विस्तृत होगा, परंतु अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता व फिर बारीकी से मूल्यांकन करना आपके लिए इसमें जरूरी होगा। दोस्तों सीनियर्स लोगों के साथ संबंध खराब न करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाभ की उतनी उम्मीद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं। दोस्तों यश में आपके लिए बेहतर होंगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर में सुख शांति भरा माहौल भी रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी हर योजना शेयर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी, उनकी सलाह आपके लिए यश में लाभदायक साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ सुस्ती और आलस भी आपके ऊपर हावी रहेगी। यश में आपको वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, चोट आदि लगने की संभावना भी यश में बन रही है।